रोहतास जिले के डेहरी के पड़ाव मैदान में राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले की जयंती सह फातिमा शेख सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता चौधरी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, मोकामा विधानसभा के विधायक सतीश रविदास सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के समाजवादी विचारधारा के कई वक्ता मौजूद थे। मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्री बाई फूले देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने देश की महिलाओं एवं उनके बच्चों को शिक्षा देकर सामाजिक उत्थान के रास्ते पर खड़ा किया, जिसकी बदौलत आज देश में महिलाओं को शिक्षा की बदौलत देश के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान आज दे रही है। वहीं केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि देश में जो सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और पाखंडवाद के खिलाफ जो बात करेगा उसे जीव और गर्दन काटने पर पुरस्कृत करने का ऐलान किया जा रहा है, ताकि इन सभी मुद्दों पर बात न करके देश की जनता उनके पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के रास्ते पर चलकर अशिक्षित रहे और उनकी हुकूमत चलती रहे। वहीं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार देश की जनता को असल मुद्दे से भटकाकर पाखंडवाद की ओर ले जा रही है, ताकि इनकी नाकामियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए और देश की जनता शिक्षित और असंगठित रहे, ताकि देश की बागडोर इन्हीं सामंतवादी विचारधारा के लोगों के हाथ में रहे। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल ही नहीं है। देश के बहुजन अब जागृत हो चुके हैं और शिक्षित होते हुए संगठित हो रहे हैं। आने वाले समय में इनके खिलाफ देश की जनता खड़े होकर इन्हें इनकी औकात दिलाने का काम करेगी। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे रामचंद्र यादव ने कहा कि पाखंडवाद के रास्ते वर्तमान केंद्र की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है और देश के बहुजनों को शिक्षा से वंचित करते हुए पाखंडवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, और देश में जो भी पाखंडवाद, शिक्षा और रोजगार की आवाज़ को बुलंद करेगी उन्हें इन सामंतवादी और पाखंडवादियों के द्वारा परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बने संविधान और उनके सिद्धांतों पर चलकर अब बहुजन जागरूक हो चुके हैं, मंदिर और पाखंडवाद की तरफ न जाकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी ने भी मोदी सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश की जनता को मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटकर असल मुद्दे से भटका रही है और देश के बहुजनों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि अगर बहुजन शिक्षित और संगठित हो गए तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वहीं कार्यक्रम में शिरकत किए सभी वक्ताओं ने पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए देश के बहुजनों को शिक्षित और संगठित रहने की अपील की और मंदिर की घंटी बजाने के बजाय शिक्षा का अलग जगाने की अपील भी की। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में NDA की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी जनता से की गई। आलोक मेहता जी को धमकी आया था कि गला काटने वाले को करोड़ों रुपया देने का काम करेंगे। वही बात हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, एक जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखा हुआ है उस पर कहा था, ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब जो है ताड़ने के अधिकारी है, मतलब दंड के अधिकारी है। ये पंक्ति जो है रामायण में नफरत फैलाने का रामचरितमानस में ये पंक्ति है, उस पर हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी गला काटने का आया था लोग, या जीव काटने का। और मैंने भी जो है सावित्री बाई फूले का जो स्लोगन है, जो 180 वर्ष पहले सावित्री बाई फूले ने जो शूद्र समाज और संपूर्ण महिलाओं को मतलब कि शिक्षा देने का काम किया, उन्होंने कहा था कि मंदिर का मतलब गुलामी का मार्ग होता है और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर का घंटी बजता है तो वो हमें संदेश देता है कि हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, अज्ञानता और मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल का घंटी बजता है तो हमें संदेश मिलता है कि हम तर्क पूर्ण ज्ञान वो जीवन में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको किस तरह जाना चाहिए। तो मेरा भी जीव काटने का 10 लाख रुपया का इनाम आया है। आप लोग समझिए, जो आप लोगों के हाथों में कलम और किताब देने का बात करता है उसको जीभ काटने और गला काटने का बात कहा जाता है, और जिन लोग कांवर उठाते हैं
उन पर फूल का बारिश किया जाता है। आपको ये लोग देश चलाने वाले किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जिन विचारों ने हमारे इतिहास पुरुष बिहार के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल किया, जो विचार वही विचारी रहे। एपी दुरई ने अपनी आत्मकथा के अध्याय 26 का टाइटल दिया है द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद यादव। इस सेक्शन के प्रेस संख्या 231, 231, 232 में लिखा है कि सीबीआई ने अपने द्वारा दायर 49 मुकदमों में से 7 में लालू प्रसाद यादव को मुजरिम बनाया है। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव एवं कुछ आईएएस को फंसाने का गंभीर षड्यंत्र किया गया है। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो कि नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारी लड़ाई है, है, और भारत का संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बातों को हम रख सके। विमर्श का वातावरण खत्म किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, और अभिव्यक्ति का भी लोप उसी के साथ हो रहा है। यह प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, यह प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारे लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? हम क्या कहना चाहते हैं? जब हम बोलेंगे नहीं तो किसी अत्याचार का प्रतिकार कैसे होगा? जब हम बोलेंगे नहीं तो हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे?